टॉपिक ऑफ आर मॉड्यूल टू स्टेट्स ऑफ मैटर इज माई थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेट विच इज माई सॉलिड स्टेट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इफ आई समराइज इट अगेन, इन माई सॉलिड स्टेट सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. द मॉलिक्यूल्स आर वेरी पैकली अरेंज. इट हैज़ अ वेरी लो काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स की बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है और आप बहुत उसको वेरी नहीं कर सकते वेरी इजीली. आपके सॉलिड्स जो हैं वो आप कंप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है बच्चे, अगर हम प्रिलिमिनरी नॉलेज सॉलिड्स की बात करें. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर सॉलिड्स इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. अभी तक हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि अगर हम सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं, सॉलिड्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, सॉलिड्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड आर योर अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन को आप बच्चे ट्रू सॉलिड्स भी बोल देते हो. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है कि वो सॉलिड्स होंगे जिसमें आपका जो बेसिक यूनिट है विच यू बेसिकली कॉल्ड इट एज अ लेटिस, लेटिस का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा. दे आर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड. उसके कंपैरिजन में अगर मैं अमॉर्फस में आ जाऊँ तो अमॉर्फस में वो जो बेसिक यूनिट है, मेरा लेटिस हो, मेरा मॉलिक्यूल हो, मेरा कोई आयन हो, मेरा कोई एटम हो, उसका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं. सॉल्युबिलिटी पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते थे, आउट ऑफ दीज टू बिकॉज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन माई क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर लेसर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू माई अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड्स को मैं सुपर कूल लिक्विड्स भी बोल देती हूँ, नॉन लेटिस लाइक सॉलिड्स भी बोल देती हूँ. अब आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं बच्चे आपकी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. वी हैव फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स. फर्स्ट आर योर मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. इफ यू सी ओवर हियर, सबसे पहले आ जाते हैं आपके मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स आपका नाम ही स्पेसिफाई कर रहे हैं. हेयर द बेसिक यूनिट इज योर मॉलिक्यूल. आपका जो बेसिक यूनिट है ना क्रिस्टल लैटिस का, वो आपका मॉलिक्यूल है. एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज मॉलिक्यूल्स इज योर वैन डर वाल फोर्सेस. आपके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आपके वैन डर वाल फोर्सेस है. वी ऑल नो वैन डर वाल फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो माई मॉलिक्युलर क्रिस्टल जिसमें मेरा बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल है, विच वॉज हेल्ड टूगेदर बाय द वैन डर वाल फोर्सेस, इट हैज लो यू नो मेल्टिंग. इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेरे सॉलिड ने लिक्विड में कन्वर्ट होना. सॉलिड के कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इंटरमॉलिक्युलर अट्रैक्शंस ब्रेक होंगी एंड दैट सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो माय मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ वीकर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इन इट हैज लोअर यू नो मेल्टिंग. The second type are my ionic crystals. Second type जो है बच्चे वो है मेरे ionic crystals. Ionic crystals क्या होते हैं? Ionic crystals नाम specify कर रहा है. Here the basic unit is my ions. यहाँ पे जो मेरा basic unit होगा that will be my ions. Ions के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमेशा स्ट्रोंगर होते हैं एज कम्पेयर टू द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो माई आयनिक क्रिस्टल विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू माई मॉलिक्युलर क्रिस्टल. ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? फर्दर इफ आई एड ओवर हियर, आयनिक क्रिस्टल्स जो है बिकॉज द बेसिक कंपोनेंट इज इन आयन, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते. If I give you some example of molecular crystal, under molecular crystal you will have dry ice. Molecular crystal में जो अगर आपको example दूँ, यहाँ you can have dry ice. And in ionic crystal, you can give the example of sodium chloride crystal. ठीक है? The third type is your covalent crystals. कोवेलेंट क्रिस्टल में बच्चे जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज योर एटम. बेसिक यूनिट इज एटम.
those atoms are held together by the covalent bond. Here again, covalent bonds are stronger than your van der Waals forces, so they will have higher melting point. Inka bhi higher melting point hota hai. But your covalent crystals cannot conduct your electricity. जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स कंडक्ट कर सकते हैं वो कोवेलेंट क्रिस्टल्स कंडक्ट नहीं कर सकते. इसमें एग्जांपल आ जाती है बच्चे आपकी डायमंड की एंड क्वार्ट्ज. ठीक है बच्चे, फोर्थ टाइप ऑफ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज योर मेटालिक क्रिस्टल्स. मेटालिक क्रिस्टल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं विच आर इंटरस्पर्स्ड विद पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस. बीच बीच में उनके पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होंगे एंड यू विल हैव योर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट. ठीक है बच्चे, दे कैन ईदर बी वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी वेरी हार्ड डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या अरेंजमेंट है, क्या मेटल आयन उसमें प्रेजेंट है. ठीक है बच्चे, लाइक आयनिक क्रिस्टल दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इनकी लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है आपकी सोडियम की, देन योर कॉपर की. ठीक है बच्चे, सो इफ आई समराइज इट अगेन, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. वन आर योर क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड आर अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन में आपके जो भी बेसिक यूनिट होगा जिसको आप लेटस बोल देते हो उसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा. इन अमॉर्फस सॉलिड्स दैट डेफिनेट अरेंजमेंट इज मिसिंग. ठीक है बच्चे, क्रिस्टलाइन फर्दर आपके फोर टाइप्स के हो जाते हैं, मॉलिकुलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक. मॉलिकुलर में बेसिक यूनिट इज योर मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस, देयरफॉर दे विल ऑलवेज हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. एग्जाम्पल ड्राई आइस की हो जाती है. ड्राई आइस इज नथिंग बट योर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है आपके आयनिक क्रिस्टल्स. आयनिक क्रिस्टल्स में बेसिक यूनिट इज योर आयन. आयंस जब भी बात आएगी तो आयंस हमेशा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं. ठीक है बच्चे, आयनिक क्रिस्टल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें एग्जांपल आ जाती है सोडियम क्लोराइड की. नेक्स्ट है आपके कोवेलेंट क्रिस्टल्स. कोवेलेंट क्रिस्टल में बेसिक यूनिट है एटम विच इज हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दे विल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. एग्जाम्पल डायमंड्स एंड क्वार्ट्ज. हाउ दे डिफर फ्रॉम द आयनिक क्रिस्टल, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप इज योर मेटालिक क्रिस्टल्स. मेटालिक क्रिस्टल में यू बेसिकली हैव योर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन योर लैटिस विच इज इंटरस्पर्स्ड बाय योर मेटल आयंस. दे कैन ईदर बी वेरी सॉफ्ट, ईदर इट कैन बी वेरी हार्ड. ठीक है बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट मेटल आयंस. They are very good conductor of electricity. Example है sodium और copper. So next कुछ properties है आपकी solids की. Definitions है, few properties है बच्चे. हमने बात की melting point की. Melting point वो temperature होगा जहाँ आपका solid जो है वो liquid में convert. अब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बच्चे वो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट होगा. जो अभी हमने बात की, जितने स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपके मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर हैं इन योर सॉलिड, उतना हायर एनर्जी उसको चाहिए होगी टू गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. जितने वीकर फोर्सेस होंगे उतना लोअर उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतनी कम एनर्जी चाहिए जब हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना. दैट मीन्स एनर्जी हमें चाहिए व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड फॉर्म, और एनर्जी इवॉल्व होगी जब हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा. सॉलिड की कन्वर्जन इनटू लिक्विड को हम कहते हैं मेल्टिंग, एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग. ठीक है, मेल्टिंग में आपकी हीट जो होगी अब्सॉर्ब होगी because you want to break the bonds, and second जब आपकी freezing होगी then heat is evoked.
ठीक है. सो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एक टर्म आ जाती है. मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जिसको हम डेल्टा एच एफ से लिखते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स टू वन मोल ऑफ लिक्विड. इसके कंपैरिजन में एक हमने और की थी पहले, दैट वाज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, वो क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ योर लिक्विड गेट कन्वर्टेड टू योर वेपर. ठीक है बच्चे, जो आपकी डेल्टा एच एफ है, as you increase the pressure, this melting and freezing point tends to reduce. आपकी जो melting और freezing point है वो reduce होती है. Latent heat of fusion का मतलब है the amount of heat absorbed, कितनी heat absorb होगी when 1 gram of solid get converted into a liquid without any change in temperature. जब 1 gram of solid आपका convert हो रहा है liquid, or you can say कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी जब आपका 1 gram ऑफ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. इसी तरह से अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसके कंपैरिजन में, वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब विद 1 gram ऑफ योर लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू योर वेपर्स. ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. सो व्हेनेवर यू डिफाइन लेटेंट हीट, चाहे वो फ्यूजन हो चाहे वो वेपराइजेशन हो, यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर डेफिनेशन. और यू वॉन्ट टू स्पेसिफाई कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कितनी हीट इवॉल्व कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है व्हेन योर टेम्परेचर इज नॉट गेटिंग चेंज और आपकी स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, दैट इज योर लेटेंट. This we have already discussed, but I will again discuss with you under sublimation, because sublimation is the second property of solid. Sublimation मेरे solid की second property है. हमने define भी की थी कि sublimation क्या चीज होती है, conversion of a solid directly into a gas. अगर हम वैसे बात करें, हमेशा दिमाग में क्या चीज आती है, gas पहले liquid में convert होगी, liquid further मेरी gas में convert होगी as I provide some energy to it. ठीक है, बट अगर मेरा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इफ वी अगेन रिवाइज दिस फेज डायग्राम, ये डायग्राम हम पहले भी कर चुके हैं, इफ वी अगेन रिवाइज इट, सो हियर वी हैव 3 different curves इन इट. 3 curves हैं बच्चे. फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस कर्व, अगर मैं सेंटर वाले पॉइंट को, इफ आई मार्क इट ए, माई फर्स्ट कर्व इज ए टू बी, दिस इज माई फर्स्ट कर्व. इस कर्व को मैं कह देती हूँ मेल्टिंग पॉइंट कर्व. ये कर्व है मेरी, ए बी कर्व इज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई कर्व, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, आई विल ऑलवेज हैव अ सॉलिड. ऑन द राइट हैंड साइड, आई विल ऑलवेज हैव द लिक्विड. ऑन दिस कर्व माई सॉलिड एंड लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम. लेफ्ट से राइट जाऊंगी, दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग. राइट से लेफ्ट जाऊंगी, दिस प्रोसेस इज फ्रीजिंग. Next important curve is my AC curve. This is my AC curve. This curve is my vapor pressure curve. ठीक है, ये मेरी vapor pressure की curve है. इसकी left side में हमेशा liquid होगा, right side में हमेशा gas होगी. Left से right जाऊंगी, that process is called vaporization. Right से left जाऊंगी, this process is called condensation. The third curve is my AD curve, which is called the sublimation curve. ये मेरी sublimation curve है. On the right hand side, I will always have gas. On the left hand side, I will always have solid. If I move from left to right, this process is called sublimation, direct conversion of solid to gas. If I move from right to left, this process is called deposition. ठीक है, sublimation हमेशा मेरी lower pressures पे होगी. जब मेरा प्रेशर ट्रिपल पॉइंट से कम है, ट्रिपल पॉइंट हमने बात पहले भी बात की थी, दिस ए पॉइंट इज माय ट्रिपल पॉइंट वेयर ऑल द 3 curves कंबाइंड, जिस पॉइंट पे मेरी मेल्टिंग कर्व, मेरी वेपर प्रेशर कर्व, मेरी सब्लिमेशन कर्व कंबाइन कर रही है, दैट इज माय ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट से कम प्रेशर अगर मैं प्रोवाइड करूंगी अपने सॉलिड को, तब मेरा सब्लिमेशन प्रोसेस फिजिबल. ठीक है बच्चे, one more important point in this curve is my critical point. If you see over here, critical point
क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज होती है बच्चे? क्रिटिकल पॉइंट स्पेसिफाइज द कंडीशन, ये वो कंडीशन, वो टेम्परेचर, वो प्रेशर एंड समटाइम्स वो कंपोजिशन जहां पे कोई फेज बाउंड्री जो है वो एग्जिस्ट करनी ही बंद कर जाती है. आप जिस तरह से यहाँ आपने डिफाइन की कि ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव लिक्विड, ऑन द राइट साइड यू हैव गैस, जिस तरह से भी आपने फेज बाउंड्री स्पेसिफाई की है, ये वो टेम्परेचर, प्रेशर और समटाइम्स कंपोजिशन की कंडीशंस होगी जहां पे फेज बाउंड्रीज ही तुम आपकी प्रेजेंट ही नहीं होगी. यू कैन नॉट डिफाइन कि ये फेज आपकी लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल.